सैनिटाइजर स्थाई इलाज नहीं है, केवल रोकथाम के लिए संक्रमण ज़्यादा ना फैले, वायरस इससे मरता नहीं है। लेकिन फिर भी अथॉरिटी की तरफ से या जो प्रशासन के अधिकार, उन्होंने गांवों को बिल्कुल अछूता और सौतेला व्यवहार गांवों के साथ हो रहा है। अभी तक कोई जांच गांवों में नहीं हो रही है। और कितने फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द न्यूज अराउंड यू, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. गांव में दो दर्जन के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, कितने दिनों में ये मौतें हुई हैं और कारण क्या है? लास्ट पिछले 10 दिन में कोरोना से संक्रमण के कारण ये मौतें हुई हैं और इलाज ना मिलने की वजह से। सबसे हाईटेक जिला है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला, सबसे साक्षर जिला है और यहाँ पर तीन बड़े बड़े प्राधिकरण हैं जिनका करोड़ों रुपए का बजट है और इतना बजट है जो कई स्टेटों के वार्षिक बजट के बराबर है। लेकिन यहाँ के जो मौतें हो रही हैं, अकेले जलालपुर की बात नहीं, दुजाना की बात की जाए 17 मौतें, छपरौला की बात की जाए 50 मौतें, सादुल्लापुर की बात की जाए, जलालपुर की, मिलकलच्छी की, तुष्याने की, खैरपुर की 25 मौतें, साबेरी में पिछले 10 दिन में 30 मौतें, ये पिछले 10 दिन का आंकड़ा है। यदि उससे पहले जाएंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी और ये पूरे प्रदेश, जो सरकार पूरे प्रदेश का आंकड़ा दिखा रही है, ये इसके बराबर केवल 10 गांवों का आंकड़ा बैठता है। और इनकी कारण केवल केवल इनको समय पर इलाज, बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन ना मिलना। गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना भी हुई है, एक ही परिवार के दो जवान बेटे चले गए। सुबह बताया जा रहा है कि बेटे की मुखाग्नि देने बाप पहुँचता है, जैसे ही घर वापस आता है दूसरे बेटे की भी कोरोना से मौत हो जाती है। बहुत दुखद घटना गांव में हुई और इसके अलावा कई गांवों में ऐसी दुखद घटना हुई है कि एक एक परिवार से दो दो तीन तीन सदस्य, अच्छे जाल से जो बेदनागर है उनके दो भाई, वो तो अस्पताल में एडमिट थे लेकिन अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं लापरवाही आ रही है। जो एडमिट हैं उनको खाने की या उनके देख रेख में कहीं ना कहीं कहीं स्टाफ की कमी है कि उनको एडमिट करने के बाद भी उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। और इसमें एक जो बहुत बड़ी लापरवाही प्राइवेट हॉस्पिटल और कोविड हॉस्पिटलों की आ रही है कि जो पेशेंट है, जो संक्रमित हैं, उनकी यदि आप सीटी कराएंगे तो उनके लक्षण आएंगे कोरोना के, और यदि आप उनकी कोविड की जाँच कराएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके फेफड़े संक्रमित हैं और उनकी डेथ हो रही है और अस्पताल उनको एडमिशन करने से मना कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है, प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मरीज को कोरोना की रिपोर्ट के आधार पर आप मना नहीं कर सकते, आपको एडमिट करना होगा। लेकिन सारे अस्पताल इन आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। वो कहते हैं पहले कोरोना की रिपोर्ट लाओ, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई लेकिन उनके लक्षण कोरोना के हैं और उनके फेफड़े संक्रमित हो चुके हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है और उनकी डेथ हो रही है। आप समाजसेवी भी हैं, कई बार आपने प्रशासन ने इसकी आवाज़ उठाई होगी, क्या प्रशासन ने गांव में आकर निरीक्षण करा, सैनिटाइजर कराने का काम किया? सैनिटाइजर स्थाई इलाज नहीं है, केवल रोकथाम के लिए संक्रमण ज़्यादा ना फैले, वायरस इससे मरता नहीं है। लेकिन फिर भी अथॉरिटी की तरफ से या जो प्रशासन के अधिकार, उन्होंने गांवों को बिल्कुल अछूता और सौतेला व्यवहार गांवों के साथ हो रहा है। अभी तक कोई जांच गांवों में नहीं हो रही है और कितने मरीज हैं उसका कोई आंकड़ा नहीं है। होम आइसोलेशन के लिए क्या दवाई है, क्या उनके लिए सिलेंडर मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे, इस पर कोई टीम बनाई नहीं गई है। केवल आग्रह करने से, क्योंकि हमने सीओ को लेटर लिखा और अधिकारियों से बात की तो जलालपुर में सैनिटाइजर कराया गया है, लेकिन जितने पश्चिम गौतम बुद्ध नगर के वेस्ट के जितने गांव हैं सब में महामारी पूर्ण रूप से फैली हुई है, सब गांवों में अति शीघ्र सैनिटाइजर कराने चाहिए और यहां पर जांच करानी चाहिए कितने पेशेंट हैं और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करना चाहिए। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक 500 बेड का स्थायी कोविड सेंटर बनाना चाहिए, क्योंकि बेड ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से यहां पर रोज मौत हो रही है, रोज हर गांव में यही स्थिति है। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon.
फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द न्यूज अराउंड यू कीप वॉचिंग फेस टॉक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब टू द लेटेस्ट न्यूज एंड प्रेस द बेल आइकॉन. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon.